हेलो गाइस, सबका स्वागत है मैं चैनल भार्गव गाइस। तो आज के वीडियो में बनाने वाला हूँ शिवलिंग। मुझे मंदिर जैसा कुछ बनाना था इसलिए मैं शिवलिंग बना रहा हूँ। और शिवलिंग के साइड में ही मैं एक छोटा सा तालाब बनाऊंगा जिसके अंदर शिवलिंग का बहता हुआ पानी गिरेगा, वैसा कुछ मैं बनाना चाहता हूँ। और शिवलिंग में पॉलिश ब्लैक स्टोन बाग से बनाऊंगा। इसको बनाने के लिए पहले मुझे नेदर के अंदर से ब्लैक स्टोन लेके आना पड़ेगा। तो चलेंगे नेदर के अंदर। और वो जो मेरे पास दो विलेजर है ना, उनकी मुझे ब्रीदिंग भी करवानी है क्योंकि मुझे और भी विलेजर की जरूरत पड़ेगी। ब्रीदिंग करवाने के बाद जो एक छोटा सा बच्चा निकलेगा ना, उसको पकड़ने के लिए मैं बोट का इस्तेमाल करूंगा। तो अब मैं एक बोट को भी बना लेता हूँ। ओके, तो अब रात भी हो ही चुकी है तो मैं पहले सो लेता हूँ। ब्रीदिंग करवाने के लिए विलेजर को कुछ खाने के लिए देना होता है, फिर वो विलेजर किसी और विलेजर को खाना देता है, उसके बाद ही ब्रीदिंग होती है। तो अब मैं यहाँ से थोड़े से वीट को भी ले लेता हूँ, इससे मैं ब्रेड बनाऊंगा। अब मैं ब्रेड भी बना लेता हूँ। ब्रेड बनाने का फन टेबल में लाइन से वीट को रख देना होता है जिससे कि ब्रेड मिल जाता है। अब मुझे इन दोनों विलेजरों में से किसी एक को मुझे ब्रेड को दे देना है, मतलब कि अगर मैं इनके आगे ब्रेड को फेंकूंगा ना तो ये अपने आप ब्रेड को उठा लेते हैं। ब्रेड को फेंकने के लिए लाइन से जितने भी ये सामान यहाँ पे दिखेंगे ना, उनके ऊपर अगर आप होल्ड करोगे ना तो वो सामान नीचे गिर जाता है। इस तरीके से आप सामान को फेंक सकते हो। अभी इस वाले विलेजर आगे फेंक रहा हूँ लेकिन पता नहीं ये उठा क्यों नहीं रहा, अंदर जा ही नहीं रहा ना ब्रेड। अच्छा, एक बार मैं यहाँ पे ब्रेड को फेंक के देखता हूँ। चलो, मेंडिंग वाले ने उठा लिया है। अब इन दोनों के बीच में जो मैंने दीवार लगाया ना, उसे मैं हटा देता हूँ ताकि ये एक दूसरे के साथ ब्रीदिंग कर सके। ब्लॉक को मैंने हटा दिया है तो अब मैं थोड़ा सा दूर हो जाता हूँ। अगर पास में रहोगे विलेजर के तो वो ब्रीदिंग नहीं करते हैं, करते तो हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा कम चांस है। A few moments later. तो एक छोटा विलेजर आ चुका है। अब ये जब बाहर आएगा ना तब मुझे इसे बोट पे बैठाना है। ओके, तो ये ऊपर आ चुका है। अब मैं यहाँ पे बोट को रख देता हूँ ताकि ये इसके ऊपर बैठ जाए। अभी थोड़ा सा इसको मुझे इधर हटाना पड़ेगा। अरे ये चिकन क्यों बैठ गया, इसको मैं मार देता हूँ। ओके, तो ये विलेजर बैठ चुका है तो अब मैं इसे उधर लेके चल जाता हूँ। अब मैं इसको यहाँ पे चारों तरफ से बंद कर देता हूँ ताकि रात को अगर ज़ॉम्बीज या फिर स्केलेटन स्पॉन होते हैं तो इसे मारे ना। अभी मैं यहाँ पे छत भी बना देता हूँ। मैं चौथे ब्लॉक पे छत को बनाऊंगा, वो इसलिए क्योंकि विलेजर बोट पे बैठा है, इसी वजह से उसका ऊंचाई 3 ब्लॉक हो जाएगा। और अगर मैं तीसरे ब्लॉक पे ही छत को बनाऊंगा तो वो छत पे विलेजर का सर टकराएगा और वो मारा जाएगा। ये विलेजर कुछ देर बाद अपने आप ही बड़ा हो जाएगा। तो अब चलते हैं नदर के अंदर ब्लैक स्टोन लाने के लिए। जिस वाले बायो में मेरा एंड पोर्टल है वहाँ पे स्केलेटन भी बहुत ज़्यादा स्पॉन होते हैं, मुझे बच के जाना पड़ेगा इधर से। इधर ही ब्लैक स्टोन वाला एक बायो में, यहाँ पे ये एक स्ट्रक्चर भी है, कभी जाएंगे इसके अंदर मुंड बना तो देखो। ये रहा, यहाँ पे ब्लैक स्टोन भी बहुत ज़्यादा मिलता है। अब मैं यहाँ से जितना हो सके उतना मैं ब्लैक स्टोन को ले लेता हूँ। 4-5 ब्लैक स्टोन का स्टैक तो लेके जाऊँगा। मुझे इस वाले बायोम का नाम तो पता नहीं है, अगर आपको पता है तो कमेंट ज़रूर करना। और यहाँ पे ये वाला मॉब भी बहुत ज़्यादा स्पॉन होता है। 2000 years later. Okay guys, तो मेरे पास 4 ब्लैक स्टोन के स्टैक हो चुके हैं। इतने ब्लैक स्टोन तो काफी होंगे, तो चलते हैं अपने घर पे। तो गैस, जब मैं अपने घर पे आ चुका हूँ और यहीं पे मैं शिवलिंग बनाऊंगा तो एक मैं क्राफ्टिंग टेबल भी बना लेता हूँ क्योंकि मैं सामान बनाने के लिए बार बार अपने घर के अंदर जाने वाला हूँ नहीं। मुझे पॉलिश ब्लैक स्टोन बाहर को बनाने के लिए पहले मुझे पॉलिश ब्लैक स्टोन बनाना पड़ेगा। पॉलिश ब्लैक स्टोन को बनाने के लिए क्राफ्टिंग टेबल में कहीं पे भी 4 ब्लॉक में इस तरीके से ब्लैक स्टोन को रख देना होता है जिससे पॉलिश ब्लैक स्टोन मिल जाता है। इन्वेंटरी में जो 4 ब्लॉक होते हैं ना, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब पॉलिश ब्लैक स्टोन बार्स को बनाने के लिए कार्फिंग टेबल में 4 ब्लॉक पे पॉलिश ब्लैक स्टोन को रख देना होता है जिससे कि पॉलिश ब्लैक स्टोन बार्स मिल जाते हैं। मुझे इस वाले ब्लॉक की वॉल की भी जरूरत पड़ेगी तो मैं वॉल भी बना लेता हूँ। तो अब शिवलिंग बनाने का कार्यक्रम शुरू करते हैं। इसकी ऊंचाई में 8 ब्लॉक रखूंगा। अब मैं कोने में नीचे एक ब्लॉक लगा के उसके ऊपर मैं वॉल लगाऊंगा। ओके, तो इसकी ऊंचाई मैंने 8 ब्लॉक कर दिया है। अब मुझे ये स्ट्रट्स की जरूरत पड़ेगी। अब मैं यहाँ पे 2 वॉल को छोड़कर तीसरे वॉल को हटा के मैं वहाँ पे ब्लॉक को लगाऊंगा क्योंकि यहाँ पे मुझे स्ट्रक्चर लगाना है। अगर मैं वॉल पे ही स्ट्रक्चर लगाऊंगा तो बीच में 6 दिखाई देगा।
अब यहाँ पे जो मैंने स्ट्रक लगाने इसके चारों तरफ मैं ये वाला ब्लॉक लगाऊंगा। चलो इतना तो मैंने बना लिया है, अब मुझे स्लैब की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे लगाने के लिए। अब इस साइड में जो पानी गिरने वाला होता है ना वो बनाऊंगा। ओके, तो अब शाम भी होने वाला तो मैं पहले जाके सो लेता हूँ। ओके गाइस, तो मैंने अभी सिबलिंग बना लिया है और मैं वीडियो गेम ही खत्म कर रहा हूँ। अबे साले, हाँ मैंने कहा था कि मैं इस वाले वीडियो में सिबलिंग और तालाब दोनों ही बनाऊंगा, लेकिन चैनल पे भी वीडियो डाले हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है और अभी मैं वीडियो को पूरा करने लग गया ना तो थोड़ा सा और टाइम लग जाएगा, तो मैंने सोचा कि जितना भी एडिट हुआ है उतना ही मैं अपलोड कर देता हूँ और तालाब में नेक्स्ट वाले एपिसोड में बनाऊंगा। तो गाइस अब मैं वीडियो को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ और अगर आपको वीडियो चल गई तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक तो कर ही देना और चैनल पर नहीं तो भाई क्या करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो अब मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और ये विलेजर भी बड़ा हो चुका है।